वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, ये सब अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन अभी मेरी मम्मी आपको एक अपडेट देंगी। मम्मी आओ आओ, बताओ कहाँ हो तू? नहीं, और तुमने क्या करी हो आज? कुछ नहीं। बताओ बताओ। मैं अंगूठी गिरा दी है। जी नहीं, फिर से बताओ। थोड़ा अच्छे से बताओ। तुमको हॉट सीट भी दे सकते हैं हम, बैठना है तुमको? नहीं, चलो आओ बैठो। मजाक सुन रहा है, मेरा बीपी लो हो रहा है, कैसी जान हो रही होगी मेरे को, देखो। चलो अब बताओ पहले। पापा की अंगूठी को बोलते रहती थी, घिस रहे हो घिस रहे मेरी अंगूठी। हम तो घिस ही रहे कम से कम। नहीं, चलो अब मैं शांति से बैठ के आपको बताती हूँ कि आखिर अपडेट्स है क्या सारी। तो सबसे पहले वाला तो ये मम्मी वाला, मैंने बोला उनको बहुत कि बताओ 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 तुमने क्या किया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो ये हुआ है कि वो वॉशरूम गई हुई थी आज, और वॉशरूम में उन्होंने सोने की अंगूठी जो है वो वॉशरूम में ही गिरा दी, तो वो फ्लश हो गई है। तो ये चीज़ हो गई, और अभी मतलब 10-12 दिन ही हुए थे उसको लिए हुए, तो काइंड ऑफ वेरी अपसेट थे हम लोग कि ठीक है अभी अभी ली थी उन्होंने और फिर वो ऐसे चली गई। तो ये हुआ है। और अभी मैं कहाँ हूँ, तो अभी करेंटली मैं हूँ जबलपुर में, और अब मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। और कहाँ जा रही हूँ वो तो मैं बताऊँगी, मुझे बताने में भी शर्म आएगी। मैं भोपाल जा रही हूँ थर्ड टाइम, क्योंकि मेरी फ्रेंड है, एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उनकी शादी का रिसेप्शन है कल, तो फिर उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और हम जबलपुर क्यों आए हैं, जबलपुर हम इसलिए आए हैं क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग नानी के यहाँ गए थे, मेरी सिवनी में थे हम लोग, सिवनी छपारा है वो एक्चुअली, तो मैं सिवनी बोलती हूँ कभी छपारा बोलती हूँ, तो आप समझ जाना। तो वहाँ पे हम गए हुए थे, और गाड़ी हमारी रास्ते में ही ख़राब हो गई थी, हमने सर्विस सेंटर में दिखाया तो उस टाइम पे तो वो ठीक हो गई, हमें लगा ठीक हो गए, लेकिन जब हम घर गए फिर हमने देखा कि वो उसकी ऑटोमेटिक की सिस्टम जो होता है ना, तो वो लॉक अनलॉक हो ही नहीं रही थी, सेंसर्स ले ही नहीं रहे थे उसके, म्यूज़िक सिस्टम काम करना बंद कर दिया था, और भी बहुत सारे इश्यूज एकदम से उसमें आ गए थे। जबकि हमने मतलब 19 नवंबर को लास्ट सर्विसिंग कराई है, तो अभी 10-12 दिन ही हुए हैं, लेकिन वो इतने सारे इश्यूज आ गए। फिर हमने जबलपुर से ही सर्विसिंग कराई थी, तो इसलिए हम वापस जबलपुर आए कि हम कार को अच्छे से दिखाएं, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रही है, मतलब मैं और मम्मी भी इतना ट्रैवल करते हैं और ये एकदम से ऐसे बंद हो गई वो रास्ते में, तो इसलिए आए हैं। तो फिर हमने सर्विसिंग के लिए दिया कार को मॉर्निंग में, और तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन लगेंगे ठीक होने में गाड़ी को, इशू है उसमें, वो हीट हो रही है, लाइक कूलेंट भी फेंक दे रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कैसे आ गई हैं, तो वो सब होगा। तो अब मैं तो भोपाल जा रही हूँ कल, तो मम्मी पापा भी यहाँ से चले गए हैं, मतलब वो वापस से नानी के पास ही चले गए, क्योंकि यहाँ पे रह के वो करते क्या, यहाँ पे कोई है नहीं है, बस घर है हमारा, तो यही सीन है। तो मैं कल निकलूंगी शादी में। आई थिंक मैंने बहुत सारा बल्क बोला होगा, देखना मुझे अभी मिलेगा सुनने को कि कितना बोलती हो तुम, बट ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अपडेट्स जो मुझे देनी थी बहुत सारी। देन मैं आपसे शायद सुबह मिलूंगी अब सीधे, तो अभी मैं पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। बाय बाय। टनल है अभी तो, यहाँ पे लाइट्स लगी है, नहीं तो पहले तो पूरा अंधेरा हो जाता था जब यहाँ से ट्रेन जाती थी। पहुँच चुके हैं हम, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद थोड़ी कम हो जाए फिर जाएंगे। तो ये वाला, ये वाला एग्जिट साइड से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हमें लेके चला जाए बाहर, इतना गोल गोल क्यों है?
गुड मॉर्निंग ऑल, हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ स्टेशन के बाहर। खड़ी हूँ अभी मैं भोपाल में, और मैं काफ़ी सालों बाद स्टेशन आई हूँ। काफ़ी चेंज हो गया है, नाम भी चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है, तो एग्जिट फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सभी को हो रही थी एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे गोल गोल करके नीचे सबवे से आना पड़ता है। बट हम फाइनली बाहर आ गए, और मैंने ओला ऑटो बुक किया हुआ है क्योंकि मैं पहली बार उनके घर जा रही हूँ। तो हम चलते हैं, वो ऑटो वेट कर रहा होगा, फिर मैं दिखाती हूँ आपको भोपाल थर्ड टाइम। पहुंच चुके हैं फाइनली, और मैं बहुत टाइम बाद दीदी से मिलूंगी। लेट्स गो, वो आ रही है नीचे लेने, लेकिन मैंने खुद ही पता कर लिया तो मैं ऊपर जा रही हूँ। ये बालकनी का व्यू है यहाँ से फ्लैट से। वैसे किस किस को ऐसे फ्लैट में रहना पसंद है? मुझे तो थोड़ा सा फील आता है क्योंकि कितने सारे घर और कितने सारे लोग रह रहे हैं। मतलब घर आते ही हम लोग वापस रेडी होके निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि हमें कुछ काम करने थे मार्केट से। तो अभी हम ये सिटी बस से मार्केट जा रहे हैं। क्या क्या खुला नहीं है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। ये भी हम आए हुए हैं 10 नंबर मार्केट। हम लोग यहाँ से घर में जैसी आई उसके बाद चेंज करके हम लोग सीधे निकल गए थे, क्योंकि हमारी बहुत सारी शॉपिंग बची हुई थी। मुझे लगा मेरी बची हुई है, पर बाकी लोगों की भी बहुत सारी शॉपिंग बची थी। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ मैं शॉप के अंदर का कुछ दिखा नहीं पाई हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे अंदर पे शूट करना अलाउड नहीं था। बट यहाँ पे जो ईयरिंग्स वगैरह है वो काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट कलेक्शन है, तो आप आके देख सकते हो। और इस मार्केट का नाम है 10 नंबर मार्केट। कौन सा हम लोग वापस आ गए हैं। अब हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, और हम लोग ये सारी शॉपिंग करके लेके आए हुए हैं। और शाम के 4 बज गए, और हम काफ़ी लेट हैं क्योंकि 7 बजे तो हमें पहुंचना ही है वहाँ पे वेन्यू पे। तो ठीक है, अब हम जाते हैं और रेडी होते हैं। हाँ तो ये सूख भी जाती है पूरी। अच्छा ये ना कैनाल है, पहले मुझे लगा कि ये सीवेज है। अभी मैं ट्रेन में हूँ, और मैं ट्रेन में बैठ के एडिटिंग कर रही थी वो शादी वाले ब्लॉग की, और मैंने रियलाइज़ किया कि
मेरे पास एक भी अच्छी क्लिप नहीं है, मतलब कुछ क्लिप्स हैं जिसमें कुछ शो नहीं हो रहा है और बाकी मैं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं कैसे क्लिप्स मिस हो गई हैं। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और मैं बटन ऑन नहीं करती, तो ये चीज़ फिर मैं दोबारा कर लेती हूँ रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ। वहाँ से लास्ट क्लिप के बाद हम लोग सब रेडी होने लगे क्योंकि जाना था, पर उसके बाद फिर कुछ हो ही नहीं पाया, तो कुछ बहुत बुरा सा हो गया है ये। पर ठीक है, मतलब मैं ये व्लॉग तो मैं डाल ही रही हूँ क्योंकि मुझे अपडेट्स भी देनी थी और फिर चीज़ें सिंक में भी रहेंगी, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो गया। और रही बात फंक्शन की, तो जब वहाँ से वीडियो क्लिप्स आएंगी तो फिर मैं आप सबको वो दिखा दूँगी। होपफुली आप लोग समझ जाओगे। आई एम रियली सॉरी एंड दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।